नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सुबह के 10 बज चुके हैं, स्क्रीन आपके सामने है, आंकड़े आपके सामने हैं। ये नतीजे नहीं हैं, रुझान हैं, पर रुझान ये कहानी बयां साफ करते हुए। गुजरात में बीजेपी अप्रत्याशित जीत की ओर जाती दिख रही है। 149 सीटें 80 के दशक में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी ने जीती थी, उस आंकड़े को भी क्या पार कर जाएगी बीजेपी? ये रुझान है, ये अंतिम नतीजे नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फासला इतना बड़ा हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कि इसे पाट पाना मुश्किल ही नहीं, अब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो 27 साल तक गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी अगले 5 साल और फिर से सरकार बनाती दिख रही है। कांग्रेस 20 सीटों पर, आम आदमी पार्टी न्यू एंट्रेंट 9 सीटों पर, दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया है, लेकिन एक इंप्रेसिव डेब्यू अगर मैं कहूं आम आदमी पार्टी करते हुए गुजरात में। और यहां पर देखने वाली बात यह भी होगी कि आम आदमी पार्टी ने जितने वोट लिए हैं और वोट प्रतिशत क्या होता है, उस वोट प्रतिशत में कितनी सेंधमारी कांग्रेस के गढ़ में की है, बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी वो नहीं करती दिख रही है। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, लेकिन हम और आंकड़ों का इंतजार करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर, 32 पर बीजेपी, 33 पर कांग्रेस, 68 की विधानसभा, 35 है बहुमत का आंकड़ा। तो ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है हिमाचल का खेल। हिमाचल में भी एक रिवाज है, जैसे 27 साल गुजरात में लगातार सत्ता पर काबिज रही है बीजेपी, वैसे ही 29 साल का इतिहास हिमाचल का इस बात की गवाही देता है कि हर 5 साल में वो सरकार बदल देते हैं। हिमाचल के शांत, सौम्य, गंभीर, कम बोलने वाले और पढ़े लिखे लोग, वो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन यहां कांटे की टक्कर, और अभी कुछ देर पहले जब मैं स्टूडियो में घुस रहा था तो विनोद जी कह रहे थे मानक से कि देखिए अब आप ताल ठोकोगे, अपने एग्जिट पोल की ताल ठोकोगे। तो अभी मैं ताल नहीं ठोक रहा हूं क्योंकि ये अभी शुरुआती रुझान है, पर इन शुरुआती रुझानों के आधार पर ये मैं कहना कतई गैर जरूरी नहीं समझता कि जो हमारा एग्जिट पोल आया था लगभग उसी तरफ ये आंकड़ों का रुझान जाता दिख रहा है। हमने बीजेपी को 150 सीटें, कांग्रेस को 19, आम आदमी पार्टी को 11 सीटें दी थी, जबकि हिमाचल में 33-33 का आंकड़ा एक डेडलॉक की तरफ हमने इशारा किया था। मेरे साथ स्टूडियो में आप जानते ही हैं विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं, सुकेश रंजन भी स्टूडियो में आ गए हैं, प्रेम शुक्ला मुस्कुरा रहे हैं, इतिहास रचने जा रही है गुजरात में बीजेपी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संजीव सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सौरभ भारद्वाज भी जुड़ने वाले हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इसके अलावा भार्गव पारिक है मेरे साथ जो गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात की नब्ज नस लगातार टटोलते रहते हैं, और साथ ही साथ प्रदीप चौहान वरिष्ठ पत्रकार हैं, देवभूमि को ये ट्रैक करते आए हैं। तो जल्दबाजी नहीं, मैं आराम से इत्मीनान से भी रहने का आदि हूं, पर सुकेश जो हमने आंकड़ा दिया था उस आंकड़े की ओर ही ये रुझान और नतीजे जाते दिख रहे हैं। हाँ, दोनों ही स्टेट्स पे ऐसा लग रहा है। हमने कांटे का टक्कर बताया था हिमाचल में और 150 के आसपास सीटें बताई थी जो कि बढ़ के 161 तक हो सकती है ऐसा बताया था। हाँ। और कांग्रेस को 19 सीटें दी थी हमने। तो उसी लाइन पे जो ट्रेंड्स हैं वो वैसे ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो एक बार फिर से मुहर लगेगी हमारे एग्जिट पोल पे। ये हमारे लिए पीठ थपथपाने की बात है। विनोद जी उस दिन कह रहे थे कि 8 तारीख को आऊंगा तो देखूंगा। हाँ। तो विनोद जी भी कॉन्ग्रेचुलेट करके जाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। हाँ, ऐसी उम्मीद रखते हैं। अभी हम पीठ नहीं थपथपा रहे, अगर हम पर ये ट्रेंड उसी ओर जा रही है जिस ओर हमने इशारा किया।
हाँ तो विनोद जी कह सकते हैं कि तुम पकड़ नहीं पाए तुम लोग, वो तो नहीं देखिए मैं हम माफी मांग लेते हैं। नहीं यहाँ पर आकर मैं कोई आपसे तीखा टिप्पणी करने नहीं आया हूँ और मेरे को अच्छा लगेगा अगर आपके प्रोजेक्शन सही साबित होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि डोंट एक्ट इन हेस्ट टू रिपेंट एट लेजर, ठंडा करके खाओ। हम ठंडा टाइम खा रहे, थोड़ा इशारा दे रहे, अभी तो हंडिया चढ़ी है आग पे, पकने दो, शाम तक सही हो जाएगी। आपके हिसाब से चावल गला होगा तो हम भी उसका लुत्फ उठा के जाएंगे यहाँ से। हाँ ठीक है, हम नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।